अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे भी कुछ इस तरह का शो हो रहा है, यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज़ दिस अकाउंट, तो इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे करना है, वो भी 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसे कैसे सॉल्व हो। इसके लिए आपको कम्प्लीट वीडियो वॉच करनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। जब आप थर्ड पार्टी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल FM व्हाट्सएप, GB व्हाट्सएप या AN व्हाट्सएप, तब जाके ये आपको SMS करता है कि आप ओरिजिनल व्हाट्सएप यूज़ करें। जब आपका डाटा लीक होना शुरू हो जाता है या कंप्रोमाइज़ शुरू हो जाता है, तो AN व्हाट्सएप या थर्ड पार्टी व्हाट्सएप आपको SMS करता है कि आप ओरिजिनल व्हाट्सएप यूज़ करें। अगर आप ओरिजिनल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तब भी आ जाके यही इशू आपको शो होता है, तो उसे आपने कैसे सॉल्व करना है, वो भी ओरिजिनल व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर भी ये शो होता है, तो उसे आपने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपने जाना है जो आपका थर्ड पार्टी व्हाट्सएप है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरा ये AN है, इसके ऊपर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे सेकंड पे लिखा हुआ है ऐप इन्फो, इस पर क्लिक करना है। अच्छा, ऐप इन्फो के बाद जो स्टोरेज है उसको आपने क्लियर कर देना है। सबसे पहले क्लियर कैश कर देना है, फिर क्लियर डाटा कर देना है। ये क्लियर करने के बाद आपने जो नोटिफिकेशन है उसे भी ऑफ़ कर देना है। नोटिफिकेशन ऑफ हो गई, उसके बाद जो आपने परमिशन दी हुई है सब वन बाय वन आपने ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने के बाद ये हो गया, उसके बाद आपने जाना है अपने फाइल मैनेजर में। ये आगे मेरा फाइल मैनेजर, और यहाँ पे जो आपका फाइल होगी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप की, AN GB व्हाट्सएप या FM व्हाट्सएप, उस फोल्डर को भी आपने डिलीट कर देना है। यहाँ से आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर आपने जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर से आपने ओरिजिनल व्हाट्सएप, ऑफिशियल व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल करनी है। अगर इंस्टॉल है तो आपने अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के बाद आपने दोबारा फिर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने अपना जो मोबाइल है वो आपने अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद बेस्ट तो ये है कि अगर आप इसे अपना डाटा सिक्योर करने के बाद रिस्टोर कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप सिक्योर रिस्टोर नहीं भी करते फिर भी आपका काम हो जाएगा 100%। अगर ऐसा करने से फिर भी आपका अकाउंट अगर आपका अकाउंट फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आप अपना ब्राउज़र ओपन करें, यहाँ पे सर्च करें व्हाट्सएप सपोर्ट। यहाँ पे सबसे ऊपर है कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, इस पर आपने क्लिक करना है। और व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट, और नीचे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है अपना फ़ोन नंबर, जिस नंबर पे आपने अकाउंट बनाया हुआ और वो ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है अपना ईमेल। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे आपने दोबारा फिर वही ईमेल देना है। ईमेल देने को यहाँ से आप अपना फ़ोन सेलेक्ट करना है, एंड्रॉयड है, आईफोन है या जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना सारा कुछ लिख देना है कि कितने दिनों से ये चल रहा है या जो भी सीन हुआ है। तो जो मैं लिख रहा हूँ अगर आप वही लिखेंगे तो वो भी बेस्ट है। मैं ये वाला लिखना है। आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ। Hi WhatsApp team, I am facing you need the official WhatsApp to use this account. Even I am using official WhatsApp from Play Store. Please help me to fix it as soon as possible. इस पे ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, उस पे आपने क्लिक करना है और ये WhatsApp का मैसेज चला जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।